जैसे बाहल बनती है ना, जो पठानों के पास बनती है, पठानों के ठेले पे बिकती है, कोयले में किस तरह से वो बनाते हैं, इसी रेसिपी से मैं आप लोगों को घर में बनाना सिखाऊंगी। आप बिलीव करें, इतनी सी आपको 50 रुपीस में मिलेंगी। 3 दाने आपको देंगे, 3-4 दाने 50 रुपीस में, और ये इतनी सारी 50 रुपीस में हमने बना ली घर में। ये अच्छी गल गई है, हलवा हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं यूट्यूब फैमिली, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज बहुत यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो शकरकंदी, क्योंकि आ रही है सर्दियाँ और आगाज़ हो रहा है ठंड से। सब ही बनाते होंगे अपने घर पर, बट मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी। बस ये 1 kg शकरकंदी लिए, अच्छा सा मैंने इसको वॉश करने के बाद टिशू से मैंने इसको अच्छा सा ड्राई हो गया, ड्राई हो गया, देखें ड्राई कर लिया इसको मैंने। अब उसके बाद ही मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बस ये हल्का सा लेना और इसके ऊपर इस तरह से स्पर्कल करना है, सरसों का तेल बस। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। जैसे बाहल बनती है ना, जो पठानों के पास बनती है, पठानों के ठेले पे बिकती है, कोयले में किस तरह से वो बनाते हैं, इसी रेसिपी से मैं आप लोगों को घर में बनाना सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से। बस इस तरह से हम सब में ऑयल लगा देंगे, ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे, इस तरह से अप्लाई कर दें, बस इस तरह से लगा दें, ताकि जब ये कुक होंगी ना तो इसका छिलका भी नहीं जलेगा और बड़ा आसानी ये छिलका इसका रिमूव हो जाएगा। बस ये लगा दिए, अब इसको टर्न करेंगे, टर्न करेंगे इसको, और इसके इस साइड पे भी हम इस पर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। और लगाइएगा ये मस्टर्ड ऑयल ही लगाइएगा, ज़्यादा बेस्ट है खाने पीने में, स्वीट्स चीज़ों में ये ज़्यादा अच्छा होता है, सब्जियों में भी ज़्यादा बेस्ट है ये। बस ये देखिए मैंने एक साइड पर भी कर दिया, उसको साइड मैंने चेंज कर दिए, अब मैं दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। ये भी देखें, बस ये माशाल्लाह से ये लग गया, ये कवर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसको कुक कैसे करना है। चले आए कोयले की अंगीठी के पास चलते हैं और आपको इजीली बताते हैं इसको कुक किस तरह से होंगे और कितने टाइम में होंगे। बस आप ये देखें, इसके ऊपर कोई भी ग्रिल वगैरह हो वो रख लें इस तरह से। ये मेरे पास अंगीठी है कोयले की और हम ये 1 by 1 इसको उठाएँगे, इस पर मैंने ऑयल अप्लाई किया था, इसको उठाएँगे और इसको इस तरह से रख देंगे। देखिए कोयले मैंने अच्छे से गरम कर लिए चूल्हे पे, गैस बर्नर पे मैंने अच्छे से इसको गरम कर लिया, कोयले को देखा लिया, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई कि कोयले जलाएंगे ये वो मुश्किल है। इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इजी क्विक बना रही है, आराम से खाएं, इंजॉय करें, पूरी सर्दी बनाएं, सुबह बनाएं, दोपहर बनाएं, शाम बनाएं, खाएं इसको, इंजॉय करें इस तरह से। बस कोयले रखे, देखें कितना हीट अप हो रहा है, ये कोयले कितने अच्छे से गर्म हो गए, बस ये हीट पे ही कवर होगी, इसको मैं अच्छा सा कवर कर दूंगी, ऊपर से भी कवर कर दूंगी ताकि जल्दी कुक हो जाए विद इन 10 मिनट में। बस इसको कर देंगे हम कवर इस तरह से और आपको दिखाते हैं विद इन 10 मिनट। बस ये देखें, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था, 10 मिनट हो गए, अब मैं इसको देखती हूँ। इसके ऊपर मैंने कोई भी वजन रख दें, कोई पत्थर रख दें, ईंट रख दें, मैंने स्टील का बट्टा रख दिया था, बट्टा, ताकि ये हीट में अच्छे से गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाह। बस ये देखें, ये मैंने आलू भी रख दिए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे लग रहे हैं जैसे पठान के पास मिलती है, आप लोग खरीदते ना पठान की कोयलों वाली, इसी तरह आपको लग रही है। ये देखें मैंने आलू भी रख दिया था, आलू को भी अच्छा सा वॉश किया था और इसको भी मैंने रख दिया था। ये भी देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो गए ये हमारे आलू, ये देखें छिलका भी उतरने लगा है। बस ये भी मैंने रख दिए थे इसी तरह से, मैंने कहा आलू भी बच्चे खा लेंगे शौक से स्टीम वाले, और हम कुछ भी रेसिपी बना सकते हैं आलू की। ये देखें माशाल्लाह से कितना धुआं उठ रहा है, चेक कर लेते हैं नाइफ की मदद से, अंदर से भी ये गल गई है, बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे हम और आपको दिखाएंगे किस तरह इसको सर्व करेंगे। बहुत गर्म हो रही है, आप एहतियात से उठाइएगा, मैं इसको हाथ से ही उठा रही हूँ इस तरह से नाइफ की मदद से, 1 by 1 करके। ये देखें कितनी अच्छी गल गई है, हलवा हो गई है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कट करके, बस ये माशाल्लाह से रेडी हो गई। देखें कितनी ज़बरदस्त पठानों वाली जो हम बाज़ार से लाते हैं, आप बिलीव करें कोयले का कोई इतना मसला नहीं। घर में पेटियाँ होती हैं, लकड़ी की पेटी होती है, कोई भी दरख्त की टहनी कुछ भी ले लें लकड़ी की, इतनी सारी लकड़ियाँ एक्स्ट्रा होती हैं, आप जलाएं किसी भी बर्तन में ले लें, कोई एक्स्ट्रा आपके घर में पॉट होगा एक्स्ट्रा उसमें रखें और जला लें, कोयले बन जाते हैं इजीली। वरना ये मिल जाते 50-60 रुपए के इतने सारे कोयले, ये तो मैंने आधा पाव के करीब लिए थे,
ये 10-15 रुपए के होंगे, आधा पाव के करीब। इसी में मेरी ये शकरकंदी कुक हो गई है। और शकरकंदी भी आपको पता है जैसे 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, इस तरह से आपको मिल जाएगी। और आप बिलीव करें इससे भी हाफ, ये तो बहुत बड़ी, इससे भी हाफ आपको मिलेगी 50 रुपीज़ की, जो पठान आपको बना के देता है इसी कोयले में। आप बिलीव करें इतनी महंगी बना के देते हैं, तो घर में आप लेके आए और घर में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाएगी, कम पैसों में बचत हो जाएगी और मज़ा भी आएगा। पूरी सर्दी इंजॉय करें, बस इस तरह से लेंगे, कोई भी उठा ले आप, मैं लूँगी। और इस तरह से हम कटिंग करेंगे जैसे हम बाहर से लेके आते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कितना धुआं निकल रहा है। 10 मिनट में ये रेडी हो गई है। ये देखें कैसी गल गई है, मज़ेदार। ये देखें बस, ये देखें हल्का सा चाट मसाला इस पर स्पर्कल करें और ये दे दें। आप बिलीव करें इतनी सी आपको 50 रुपीज़ में मिलेंगी, 3 दाने आपको देंगे, 3-4 दाने 50 रुपीज़ में। और ये इतनी सारी 50 रुपीज़ में हमने बना ली घर में। कैसी लगी रेसिपी मेरी आपको? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। नए देखने वाले से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट्स दिया करें। आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताएगा। जब भी मेरी वीडियो वॉच करें माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा, मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआ में हमेशा याद रखती हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। नई वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बस इतना ही कहना, जिए और जीने दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ने के बाद।